वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हूँ शनेक सिंह पिंका जथेदार टिब्बी तो गुड़गामा शहर च। अज ऐसे शख्स नाल तुहानू मिलाना चाहुंदे जिहड़े पंजाब तो आके गुड़गामा दी इस पवित्र धरती ते आके रुके। उन्हां दा नाम है साहिब सिंह सिद्धू साहब। ज्यों ही 17-17 साल की एज तो उत्थों चले घरों 50 रुपए लैके। उस 50 रुपए ने इन्ना भाग लाया कि अज वह गुड़गांव की एक मनी हुई हस्ती जिन्होंने अपने सच्चे मन धन गुरु घर दी सेवावां भी कीतियां ते उन्होंने सच्चे मन धन अपने बिजनेस नूं भी बुलंदियां ते लियांदा। ते अज गलबात कराने थानू साहिब सिंह वर्मा जी। वर्मा जी, साहिब सिंह जी, सिद्धू साहब असीं जानना चाहुंदे कि तुसीं जदों पंजाब तो आए तो किस हालात च आए? बस कनैक्टरी ड्राइवरी करन वास्ते घरों निकले सी जी। हाँ तो वहाँ से चले तो दिल्ली आ गए जी। हाँ जी, सानू पता लगे कि जो घरों तुसी चले से 17-18 साल की एज थी तुहाडी ते तुसी 50 रुपए लैके घरों चले सीगे। सानू विस्तार से दस्सियो तुसी अगे अगे किदां कामयाब होए। हाँ जी, फिर असी दिल्ली तो चले तो जयपुर आ गए जी। जयपुर तो चले तो उदयपुर चले गए जी। उदयपुर फिर असी कनैक्टरी की थी मैं एक साल जी। साल तो बाद फिर वापस मैं पिंड आ गया जी। पिंड आ गए फिर महीना दो महीने रहा मैं फिर भाग आया जी। फिर वापस आया तो मैं 5 साल गांव में नहीं गया। अच्छा जी। फिर ड्राइवरी कनेक्टरी करके जी ड्राइवर बन के फिर पिंड गया। अच्छा। फिर मैं अमृतसर तो टैक्सी ली, टैक्सी च बैठ के कर गया जी। फिर करो फिर वापस कुछ दिनों बाद आया। अच्छा। हाँ, जब फिर दोबारा आए तो सर फिर किस तरह अपना अपनी जिंदगी नोके तो ड्राइवर बन, फिर मैं ड्राइवर बन गया सी जी। फिर मैं ना किया गाड़ी चलाने लग गया जी। काफ़ी 5-7 साल गाड़ी चलाई जी। तो फिर हौली हौली अपना ट्रक च हिस्सा पा लिया जी। हिस्सा पा के तो मैं फिर इतने वधदा वधदा अगे वध्या। जदों तुसीं अपने ट्रक च हिस्सा पाया तो उस वक्त तो फाइनैंशली जो ताड़ी स्थिति कैसी सी? पैसे कैसे उस वेले तुहाडी पैसे की स्थिति किदां दी सी? बिल्कुल हल्की सी, खाली 15,000 रुपए हिसाब आया सी। अच्छा। हाँ, उस ट्रक दे विच? उस ट्रक दे विच। सुनिया भी तुसी उस ट्रक नूं काफ़ी देर चलांदे भी खुद रहे? नहीं, ट्रक तो मैं चलाया 25-30 साल। अच्छा। हाँ, 25-30 साल ट्रक चलाया? हाँ, खुद ने चलाया। अच्छा। और सब्जी फ्रूट का काम किया। अच्छा। हाँ, दोनों पासे तो ही, क्योंकि उन दिनों दे विच ऐसा ही ना किराए डबल होंदे ही सब्जी फ्रूट दे। अच्छा। सुक्के वाले माल नालों। अच्छा। ये दे विच सुने ऐसी सानू पता लगे कि जदों तुसी बंबे तो भी ट्रक भर के लिया दे रहे? हाँ, बंबे तो, अहमदाबाद तो, सूरत तो, सारे शहरों तो। अच्छा। दिल्ली आजादपुर मंडी आउंदे सी। आजादपुर मंडी दिल्ली आ रही सब्जी? हाँ। तो सानू ये भी पता लग्या सीगा जिद्दां तुसीं सानू दस्सिया सीगा अपनी हिस्ट्री दे विच भी तुसीं इन्नी मेहनत की कि पहला ट्रक तुसीं उहदे विस्तार बारे सानू दस्सो भी उह ट्रक किद्दां खरीदिया किद्दां किद्दां अगे वधे? उह पहला ट्रक फिर 84 दे विच मैं खरीदिया। अच्छा। खरीदिया तो मैनूं मेरे हिस्से च सारा 75,000 रुपया आया सी जी। पैसे चाहिए सी ज़्यादा जी। वो फिर इस तरह 84 तो मैं नवीं लै आया जी। बाकी जो बाडी बूडी बनाने सी उह उधार वालिया नाल करके बनवाई जी। इस तरह बनते बनते फिर अगे वधदे गए। अच्छा। हाँ, फिर आप ट्रक आप चलाने लग गए। अच्छा। वो फिर मैनू परमिट रब ने देता। अच्छा। नैशनल परमिट। अच्छा। परमिट देता तो नारे व्यारे हो गए, सारे बार्डर की ब्रेक खत्म हो गई जी। जिदा गुजरात का बार्डर, राजस्थान का बार्डर, वो ब्रेक सारी खत्म हो गई मेरी। अच्छा। तो इस तरह मैं जानना चाहता सीगा भी जदों तुसी अपना ट्रक पाया तुहानू परमिट अपना मिलिया फिर उस तो बाद किस तरह सिलसिला अगे 1-2-3 चलता? हाँ, फिर इस तरह मैं ये गड्डी नू 2 साल चलाई मैं फ्री करके बैंक का कर्जा मोड़ के जी। फिर मैं दूसरी गड्डी पाई जी। दूसरी पाई एक दला आ गया ग्राहक मैंने चंगे पैसे दिते मैं बेचती। अच्छा। हाँ, फिर मैं दूसरी 2 गड्डियाँ बना लिया जी। इस तरह फिर मैं 2-3 बना लिया जी। फिर 3 जदों फ्री हो गया तो मैं अपना मकान खरीदया 17 सैक्टर च। अच्छा। इस तरह जड़ी गड्डी वेचनी नाले मकान का पैसा कढ लेना ते नाले गड्डी नवी बैंक तो फाइनेंसर तो लोन लेके गड्डी पा लेनी। अच्छा। किन्ने तक गड्डियां तुहाडे कोल रहियां?
हाँ जी कितनी गड्डियां तेरे को मेरे को 12 14 गड्डियां तक रखी मैं ज्यादा नहीं रखी हाँ 12 14 गड्डियां तुसी रखी हाँ तो अच्छा काम परमात्मा की कृपा ना किया पर मैं तो जानना चाहता सी भी तुसी अमृतसर तो आए हो पिंड केड़ा अपना पिंड मेरा मीरपुर अच्छा तहसील चबाल जिला तरन तारण अच्छा मैं जानना चाहता भी मैं जो तुम मिले तुम मैंने एक गल बड़ी दसी भी तुम गुरु घर बड़ा प्यार से बस इसका गुरु घर तो फिर आ स अच्छा सेवा करी दी जिन्ना चर जिनी होंगी अच्छा जिनी वो तो उस जमाने उन्हें आख्या जी आ गुरुद्वारा बना रहे मैं चल मैं 21,000 मैं दे देता अच्छा तो इस तरह करद गड्डी चली गई मैं सुने कि बाबा बुढ़ा जी ने तुसी बहुत प्यार कर दे हाँ बाबा बुढ़ा तो साडा पड़ोसी होया ना अच्छा वह फिर इदा होया ना असी दो जाने से एक पिंड साढ़े का होर मुंडा अस इत रहा गुड़गांव अं दो ने किया भी गुरुद्वारे आके बैठते स तो बाबा बुढ़ा साहब का जन्मदिन आया तो मैं यार गल सुन इन्ह दसा गुरुआ की तो फोटो ला रखी है बाबा बुढ़ा साहब न कोई याद नहीं इतने करता किसी पता ही नहीं मैं फिर वो अड़ी ब अं कट्ठे बचपन तो कट्ठे रहे अच्छा तो मैं फिर आप इदा करिए बाबा बुढ़ा साहब का खंड पाठ रखाइए अच्छा तो वह कहता ठीक है आप सेवा दो अद ले लेने वो फिर जी सेवा ही दोवें जड़े दो अद करते रहे तो मुड़ के वह मर गया तो फिर मकला उदों का हूँ कर कितने साल हो गए 14-15 साल हो गए 14-15 साल तो बाबा बुढ़ा जी की याद के अपने परिवार को गुरु का लंगर करते हाँ जी तो ये तो बड़ी वड्डी और खुशी गल है कि बाबा बुढ़ा जी ने जिन्होंने छेवें पातशाह तक उन्होंने वर मिलया और उन्होंने छेवें पातशाह तक आशीर्वाद भी दिता बिल्कुल उसी उन्होंने बारे की कहना चाहते बस सानू बाबे बुढ़ा साहब की बहुत मेहर है मौज बनी है अच्छा हाँ तो किन्ना जिन्ना चर जीवन अपना उन्ना चर अं बाबा जी के चरणा च रहना और सेवा करनी करते रहोंगे करते रहो करते रहो तो मैं जानना चाहता सी भी कभी कभी पंजाब की याद आती है जो बचपन थोड़ा उधर बीते हाँ जब तक मैं जाता रहना पंजाब का 2-3 बार जन्म महीने साल चार बार अच्छा मेरी जमीन है पिंड अच्छा हाँ तो अपने पुराने साथी कोई सारे मिलते रहेंगे मिलते रहते हाँ याद करते बिल्कुल करते एक साथी तो जी अज अमरीका तो आ रहा अच्छा जी ये तो बड़ी खुशी होंगी उन्हें भी बचपन का साथी8-4 मरले अच्छा 39 सैक्टर की तो पूरी की जो 46 सैक्टर जिस दिन फिर वो प्लाट मिलया सानू तो नहीं पत्थ शुरू करना है मैनू कहिंदे भी तुसीं इहदी सफाई करवाओ अच्छा मैं तो इंजीनियर गर्मी बड़ी सी उस दिन JCB लेके अस दुपहरे फिर सारा सफाई करवाई फिर उहदा प्लाट चालू करवाया अच्छा किन्ने बच्चे है तुहाडे मेरे दो बच्चे है एक लड़की है अच्छा तो परमात्मा दिता वा सब कुछ सब कुछ ठीक है मेहर है बाबे बाबू जी की लगता है कि आप सिखी की सेवा करने और आप कि होर ऐसे हमले मारने चाहिए सानू सिखी वास्ते सिखी वास्ते फिर सिखा तो बहुत कुछ करना चाहिए जिहड़ा कि अजक सिख पछाड़ते जा रहे इस करके ऐसा हूँ गांव नवा जमाना तो कोई इन्ना नहीं कर रहा बाकी पंजाब दे विच वाले बाबा बुढ़ा साहब जिहड़ा साडा जिला तरन तारण अमृतसर परसों तो 4 तरीक हाँ 4 तो लैके 6, 7 ते 8 तक जगह जगह लंगर हर पिंड च अच्छा हाँ जी साडे पिंड वाले ने बड़ा वड्डा लंगर लाया सी अच्छा हाँ तो बाबा बुढ़ा जी की बहुत बड़ी देन है सिख कौम से हाँ जी बहुत बड़ी वड्डी देन तो सानू पता भी पहले जो हेड ग्रंथी सन बाबा बुढ़ा जी सन हाँ ये पहले हेड ग्रंथी सन पहले हेड ग्रंथी जिहड़ा इन्होंने संगतां ने कार्ज आप खलोया आप ही कार्ज रचाया हाँ होर की संदेश देना चाहते नौजवानों को अपने क्षेत्र बस नौजवानों को यही है भी तगड़े हो गए सिख बन दाड़ी मुछ नहीं मना
गुरु की सेवा कर। ये सन अजैब सिंह जी जिन्होंने अपना जीवन अपने बिजनेस भी लगाया और सिखी च भी लगाया और गुरु घर दियां इधर दियां तमाम सिंह सभावां दे विच सेवा करते रहे। मन दे विच कदी ये ख्याल नहीं इन्हां दे आया कि मैं सेवा करदा, उन्हां दे मन च इक्को ही ख्याल आता कि जे वह करवा रहे तो असीं कर रहे हैं। किसी वड्डी गल दे उत्ते जां किसी चीज़ दे उत्ते कोई हंकार वाली गल नहीं, साफ सुथरा जीवन जीने वाले और साफ सुथरी गल करन वाले सरदार अजैब सिंह जी संधू।